भारत उत्सवों की भूमि है। शायद ही 365 दिन में कोई एक दिन बचा होगा, हिंदुस्तान के किसी न किसी कोने में कोई न कोई उत्सव न मनाया जाता है। हजारों साल की सांस्कृतिक परंपरा के कारण अनेकविध पौराणिक गाथाओं से जुड़ा हुआ है जीवन, इतिहास की धरोहर को मजबूत करने वाली सांस्कृतिक विरासत, इन सब के चलते हमारे देश ने उत्सवों को भी संस्कार का, शिक्षा का और सामूहिक जीवन का एक निरंतर प्रशिक्षण करने का काम किया है। उत्सव हमें जोड़ते भी हैं, उत्सव हमें मोड़ते भी हैं। उत्सव हम में उमंग भी भरते हैं, उत्साह भी भरते हैं और नए नए सपनों को सजने का सामर्थ्य भी देते हैं। हमारी रगों में उत्सव धबकता रहता है। इसलिए भारत के सामाजिक जीवन का प्राण तत्व उत्सव है और यह उत्सव प्राण तत्व होने के कारण हजारों साल पुरानी इस महान परंपरा को कभी क्लब कल्चर में जाना नहीं पड़ा। उत्सव ही उसकी भावों की अभिव्यक्ति का उत्तम माध्यम बनते रहे और यही उत्सवों का सामर्थ्य होता है। उत्सव के साथ एक प्रतिभा को निखारने का, प्रतिभा को एक सामाजिक गरिमा देने का, प्रतिभा को पुरस्कृत करने का ये भी हमारे यहां निरंतर प्रयास चला है। कला हो, वाद्य हो, गान हो, नृत्य हो, हर प्रकार की कला हमारे उत्सवों से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है और इसी कारण भारत के हजारों साल की सांस्कृतिक विरासत में इस कला साधना के कारण, उत्सवों के माध्यम से कला हमारे जीवन व्यवस्था में होने के कारण भारतीय परंपरा में रोबोट पैदा नहीं होते हैं, जीते जागते इंसान पैदा होते हैं। उसके भीतर की मानवता, इसके भीतर की करुणा, इसके भीतर की संवेदना, इसके भीतर की दया भावना, इसको लगातार ऊर्जा देने का काम उत्सवों के माध्यम से होता है।